नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और बाजार आज उतार चढ़ाव भरा दिन ही देख रहा है। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो जो माहौल है वो कुछ हद तक उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय बैली 11 पॉइंट ऊपर, लेकिन जो 7500 का लेवल है वो आज एक कड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हुए सेंसेक्स में करीब 60 अंकों की तेजी है, 24683 का लेवल। लेकिन एक जो इंट्राडे लो हिट हुआ था मार्केट में करीब 12:30 के आसपास, वहाँ से इसने एक रिकवरी की कोशिश जरूर की है। इसमें हिस्सा किसने लिया है और इस समय हाइलाइट्स क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। बताइए वीरेंद्र। शुक्रिया मिहिर। आप देखिए आज का सेशन एक बार फिर से अगर आप देखें, एक रेंज बाउंड, लेकिन आज की रेंज जो थी वो थोड़ी सी और स्क्यूज हो गई। यानी नेक्स्ट वीक अर्ली और नेक्स्ट वीक अगर आप देखें मिड तक एक आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी तलाश सकते हैं। आज का इंट्राडे हाई और आज के इंट्राडे लो को देखें तो करीब 60 अंकों की वोलेटिलिटी रही। बाजार में उतार चढ़ाव, लेकिन उतार चढ़ाव स्क्यूज होता हुआ और कम होता हुआ। लेकिन टिकने में अगर आप देखें इसको 7500 के ऊपर यकीनन मुश्किल है। 75 के लेवल को हमने बहुत स्ट्रांगली सिक्योर करके नहीं रखा अब तक। दूसरे पायदान पर जो चीज़ आती है इंडस्ट्रीज के बाद वो है एग्जैक्टली तेल और गैस, FMCG रियल्टी। ये आज डिमांड में ऑयल गैस, केन इंडिया, ONGC, रिलायंस और रियल्टी स्पेस अगर आप देखें जो रियल स्टेट रेगुलेटरी की खुराक मिली है उसके चलते आज डिमांड में है। FMCG इंडेक्स सुबह से डिलीवर करता हुआ और बैंकिंग शेयरों में आज भी कमाई नहीं हो पाई। सीरियस कमिटमेंट्स बनाने के बाद भी अगर आप देखें कोई फायदा नहीं मिल रहा है और बहुत सारे PSU बैंक्स में अगर आप देखें आज कमजोरी है। क्रिसिल की रिपोर्ट, क्रिसिल की अगर आप देखें एक्शन का एक इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल था तमाम बैंकिंग काउंटर्स पे। और मेटल माइनिंग शेयरों में आज थोड़ा सा अगर आप देखें जो प्रॉफिट्स है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहिएगा। आज आई थिंक आज चाती के लिए भी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहे थे। और उसके बाद टेक्सटाइल शेयरों में जोरदार पुलबैक, आज शानदार पुलबैक, लोअर लेवल से पुलबैक नजर आया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा मिहिर कि आज हम 7550 के ऊपर बंद होते हैं, उसके साथ बंद होते हैं, या फिर एटलीस्ट हम 7500 को सिक्योर करके ले जाए अपने साथ। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन यही देखना होगा क्योंकि जो 7500 का लेवल है वही अपने आप में एक कुछ हद तक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हो। लेकिन जिन स्टॉक्स पर आज बातचीत करेंगे इसमें एक तो जी एंटरटेनमेंट है, इसके अलावा BPCL और TCS, यूनाइटेड स्पिरिट्स, गोदरेज कंस्ट्रक्शन, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही स्ट्राइड्स, शासून, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, कोल्टे पाटिल, अजमेरा रियल्टी, इनफैक्ट सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में कल जो खबर आई है रियल एस्टेट रेगुलेटर के उसके बाद अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वाड़ीलाल इंडस्ट्रीज और एक काउंटर है जो कि 15% ऊपर। जिन स्टॉक्स में मैं चर्चा करूंगा उसमें आप देखें लिपिन, केन इंडिया, जंडू रियल्टी, यूबी होल्डिंग्स, कटलर पावर, एक से एक शानदार लार्ज कैप मिड कैप का स्टॉक अगर आप देखें उसकी प्रेजेंस है यहाँ पे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, VR लॉजिस्टिक्स, पूर्वांकर प्रोजेक्ट्स, इंडिगो, शक्ति पंप्स सुबह से ही डिलीवर करते हैं ये स्टॉक्स। बिल्कुल, चलिए इस बीच ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, NBCC के चेयरमैन मिस्टर AK मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मित्तल शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब सबसे पहले तो ये जो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल है, अब जाहिर सी बात है अभी लोकसभा में पास होगा, उसका कानून बनेगा और उसके बाद ये लागू होगा, लेकिन क्या वाकई इससे जो बायर्स हैं उनकी या फिर जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनकी दिक्कतें इससे एड्रेस होंगी, किस हद तक होंगी? देखिए सबसे पहले बायर्स कस्टमर की बात करें तो उसकी तो बहुत सारी समस्याएं इससे सॉल्व हो जाएंगी, और बहुत सारी क्या सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी जितनी ट्रांसपेरेंसी इस बिल के बाद आएगी। तो एक एप्रीहेंशन हमेशा रहती है एक बायर के दिमाग में रियल इस्टेट डेवलपर को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में इस बिल में एड्रेस कर ली गई हैं, तो बायर के साइड से तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डेवलपर्स के ऊपर आ गई है कि जिस तरह के ये प्रोविजंस किए गए हैं इसमें अब तक वो नहीं पूरे किए जाते और ख़ासकर प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब कितने समय में वो इसको पूरा करेंगे और कहाँ तक खरे उतरेंगे और उसका कितना मार्केट में इफेक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन सर एग्जैक्टली मैं ये जानना चाहता हूँ, आई थिंक इस सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब तक कैपिटल स्पेस में नहीं है। कैपिटल है भी तो काफ़ी स्क्यूज्ड है, काफ़ी कॉस्टली है, नहीं है, कुछ बिल्डर्स स्टक हो चुके हैं, कई के प्रोजेक्ट्स डिले हैं, कई अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक परेशानी ये। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि जिससे कि अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी, और साथ ही दूसरी चीज़ जो अल्टीमेटली होगी वो ये है कि बाहरी पैसा, विदेशी पूंजी एक रेगुलेटर के आने के बाद क्या इस स्पेस को चेस करेगी, आप मानते हैं? और जो करंट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है सरकार उसको कैसे पूरा करे, उसके लिए क्या प्रोविजन करना चाहिए जिससे कि बिल्डर्स लॉबी जो कि काफ़ी इस वक्त
काफी बड़े अपसेट के दौर से गुजर रहे हैं, वो बाहर निकल पाए। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्डर्स लॉबी बहुत स्ट्रेस में है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बिल के आने के बाद ऐसा मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसके बाद और परेशानियां बढ़ेंगी। बिल्कुल, जब तक कि जो दो बातें आपने कही हैं कि सरकार कुछ मदद नहीं करती है और या बाहर से पैसा नहीं आता है। लेकिन देखिए, बात किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा आना या इन्फ्यूजन करना, गवर्नमेंट को देना, ये सब पे डिपेंड करता है वो बिजनेस का पोटेंशियल कितना है मार्केट में। आज इतने दबाव में ये मार्केट काम कर रही है, बायर्स नहीं है, मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। अब ये बिल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उसके अंदर 2 महीने 6 महीने 8 महीने लगेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ इसका भविष्य देखता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए, बात यह है कि सिर्फ बाजार से पैसा आ जाना या बाहर से पैसा आ जाने से बात नहीं होती, जब तक कि हमारी जो एथिक्स हैं इसको लेकर और जिसको लेकर बड़ी बड़ी शंकाएँ पैदा होती हैं, इसको जब तक दूर नहीं करेंगे ये सेक्टर नहीं ठीक होगा। और ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, जैसी लागू होगी उसके बाद से आप देखेंगे बहुत इफेक्ट पड़ेगा जी। आप मित्तल साहब, क्योंकि आपने पहले कंज्यूमर की बात की, मैं इनफैक्ट कंज्यूमर एंगल से ही आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी ग्राहक ने किसी प्रोजेक्ट में, जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसे पोजीशन नहीं मिली, प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है, तो क्या इस बिल के लागू हो जाने के बाद या फिर ये कानून बन जाने के बाद इसमें उसे कोई रिलीफ मिल सकती है? और साथ ही ये जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट, अब क्योंकि बिल्डर को भी उतना ही करना होगा जितना कि ग्राहक से वसूला जाता है, इसका फायदा एग्जिस्टिंग बायर्स को मिल पाएगा जो कि जिनके प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं? देखिए, अभी तक जितना मालूम पड़ा है तो उसके हिसाब से उनको फायदा होगा, बाकी तो बिल जब पास हो जाएगा और जब नोटिफाई होगा उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि एग्जिस्टिंग बायर, अभी मान लीजिए 500 प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान में चल रहे हैं, आने वाले भविष्य में तो 5000 या 50000 प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये बिल तो मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, NBCC खुद एक रियल इस्टेट कंपनी का काम करती है, मैं और हमारी कंपनी बहुत खुश है इसको लेके, क्योंकि जितने भी रियल इस्टेट के प्रोविजन्स इसमें रेगुलेटरी बिल में दिए गए हैं, एक्सेप्ट वन प्रोविजन के हम डिले होने के बाद उनको पैसा नहीं देते हैं, जनरली कुछ केसेस में देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम पूरा करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बिल को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने में सरकारी कंपनी, जैसे हमारे पास डेट नहीं है, खुद पैसा खर्चा करके ज़मीन खरीदते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद उसको कंप्लीट करने की हमारी एक जिम्मेदारी है सरकारी तौर पे भी और वैसे भी, तो उसको लेके खुश हैं। तो एक कंज्यूमर को और क्या चाहिए कि उसको गारंटी हो जाए, जो कहा वो मिल जाए, कंज्यूमर और कुछ नहीं चाहता है जी। सर, एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ कि प्राइसिंग पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और अभी छः महीने में, साल भर में एग्जैक्टली आप प्रॉपर्टी प्राइसेस, लैंड प्राइसेस एग्जैक्टली दिल्ली NCR में या फिर Tier 2 सिटीज में कहाँ देखते हैं जाते हुए एग्जैक्टली इसके बाद? देखिए, ऐसा है कि अभी 6 महीने तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है चेंजेज होंगे, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन होने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स तो मुझे लगता है बंद हो जाएंगे या वो इसी स्थिति में नहीं होंगे कि वो आगे चलें, तो ये बड़ा अजीब सा माहौल होगा। लेकिन जो लोग इसको पूरा कर पाएंगे उसकी वजह से प्राइजेस डेफिनेटली कुछ इम्प्रूव होंगे। कस्टमर को उससे कितना नुकसान होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन डेवलपर को थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में जाके ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी जी। ओवरऑल मिस्टर मित्तल, आपका व्यू क्या है रियल एस्टेट मार्केट को लेकर? क्योंकि जाहिर सी बात है, विद दिस बिल और विदाउट दिस बिल, एक्चुअली मंदी तो है मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में, और ख़रीदार नहीं है, जो अनसोल्ड घरों की इन्वेंट्री है वो भी अच्छी खासी है, इसे किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि मंदी है और पूरी मार्केट दबाव में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे हमने अभी एक प्रोजेक्ट पिछले साल लॉन्च किया था किदवई नगर में, 5000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री हमने सिर्फ 1.5 या 2 दिन के अंदर सेल कर दी, और उसमें मुझे लगता है कि एक भरोसा था बायर को, ऑफकोर्स वो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, कि भाई अब ये बिल्डिंग NBCC बनाकर दे रही है तो पूरा करना इनकी जिम्मेदारी है, नहीं देंगे तो इनको हम RTI के थ्रू पकड़ लेंगे, सरकार के थ्रू पकड़ लेंगे, तो ये बिल्डिंग बन के दिखेगी। तो देखिए, मकान की ज़रूरत है, इसको हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट मानती है 2022 तक सबको मकान चाहिए,
जब मकान चाहिए, पैसा कुछ लोगों के पास है और पैसा जनरेट हो जाएगा, सबसे बड़ी मुश्किल आती है जब उनको भरोसा नहीं होता है। और इस बिल के साथ में मैं एक ज़रूर चीज़ कहूँगा, पता नहीं इसमें प्रोविज़न है और मैं दो तीन जगह कहा है कि जो इसके कंसल्टेंट्स हैं प्रॉपर्टी के लिए, जिनको हम प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हमारा मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि इसकी स्ट्रीमलाइनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी तो हर गली नुक्कड़ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, क्या कमिट करते हैं क्या कमिट नहीं करते हैं, कैसे सब्ज बाग दिखाते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक बार वो कमीशन लेके भेज देता है। इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे उनकी रजिस्ट्रेशन हो, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या कुछ होगा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने दो तीन पेपर्स भी इस पर गवर्नमेंट को दिए हैं, तो लेट अस होप कि गवर्नमेंट उसके बारे में क्या सोचती है। सर, संक्षेप में अगर आप इस बात का उत्तर दे पाएं, एग्जैक्टली NBCC की अगर आप देखें, प्रॉस्पेक्टिव से बात करता हूँ, ये CY 16 की जो शुरुआत हुई है, वो किस नोट पे हुई है, और मैं जानना चाहता हूँ कि सर एग्जैक्टली जो इस फिस्कल का एंड है वो आप कितने ऑर्डर बुक के साथ कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ के लिए, नेक्स्ट फिस्कल के फर्स्ट हाफ के लिए आपका आउटलुक क्या है? वेल, देखिए NBCC की साल की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया साल रहा है ऑर्डर बुक के लिहाज से, और वो साल सिर्फ ये साल नहीं रहा है, आगे का जो उसने रोड मैप हमें दे दिया है एक दो साल का, वो तो अमेजिंग, उसकी कल्पना भी अभी बहुत मुश्किल है अगर यही रहा तो। मुझे लगता है कि एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारी ऑर्डर बुक 40,000 से 50,000 करोड़ के बीच में रहेगी, और अगले साल में ऑर्डर बुक बहुत ही रफ्तार से बढ़ेगी। और जहाँ तक नेक्स्ट फर्स्ट हाफ का बात है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो ऑर्डर बुक तो जैसे मैंने बता दिया जिस तरह बढ़ेगी, लेकिन टॉप लाइन भी काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो ऑर्डर पिछले एक साल के अंदर हमें मिले हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं ग्राउंड पे काम में, और उसका आप रिजल्ट देखेंगे अगले साल में। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए मिस्टर मित्तल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स।